नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। मध्य प्रदेश में पहली बार जेब्रा और जिराफ की झलक 3 महीने बाद देखने को मिल सकती है। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह का दावा है कि अफ्रीका से अगले साल 26 जनवरी से पहले जेब्रा और जिराफ को यहां बसाया जाएगा। वन विहार सबसे अनुकूल है। मैनेजमेंट ने इसका प्रस्ताव भी जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा है। वहीं प्रदेश के सभी नेशनल पार्कों में 1 जनवरी 2023 से प्लास्टिक की बोतल और थैलियों पर बैन लगेगा। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि प्रदेश में अफ्रीका से चीता आने के बाद अब जेब्रा और जिराफ को भी 26 जनवरी 2023 के पहले वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद शेर, बाघ, भालू, लोमड़ी, तेंदुआ, हिरण, बारहसिंगा समेत अन्य जानवरों के साथ लोगों को जेब्रा और जिराफ के दीदार भी हो सकेंगे। टाइगर और लेपर्ड स्टेट मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी बन गया है। यहाँ नामीबिया से 8 चीते आए हैं जो कुनू नेशनल पार्क में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को पार्क में पिंजरे खोलकर चीते को बाड़े में छोड़ा था। देश में 70 साल बाद चीते कुनू में लाए गए हैं। इसके लिए पिछले 20 साल से प्रोसेस चल रही थी। इसके बाद यह देश का इकलौता ऐसा पहला प्रदेश बन गया है जहां पर टाइगर, लेपर्ड और चीता तीनों हैं। फिलहाल चीते क्वारंटाइन है। वन विहार देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो किसी राजधानी के बीचों बीच में है। 26 जनवरी सन 1983 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। वन विहार बड़े तालाब के पास पहाड़ी और आसपास के 445.21 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलाकर बना है। हर साल यहाँ 1.5 से 2 लाख पर्यटक आते हैं, इसलिए जिराफ और जेब्रा के लिए इसे बेहतर माना जा रहा है। यही कारण है कि जू अथॉरिटी को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। मंत्री शाह ने बताया कि भोपाल के आसपास टाइगर मूवमेंट को देखते हुए इस क्षेत्र को अभयारण्य बनाने का विचार किया जा सकता है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, वन्य प्रेमियों और बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया वन विभाग के सभी नेशनल पार्क में प्लास्टिक बोतल और थैलियों पर 1 जनवरी 2023 से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके बदले वहां वाटर एटीएम लगाए जाएंगे जिनसे पर्यटकों को कम कीमत पर पानी मिलेगा। साथ ही पार्क में खाद्य सामग्री आदि की थैलियां ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।